आप लोग नीतीश बाबू और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी बीना देवी जी का सहयोग करें, हाथ मजबूत करें। बीना जी को, देवी जी को हेलीकॉप्टर छापकर वोट देकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी पानी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप आपके सामने हाजिर हुई हैं। हम चाहेंगे कि बहुत समय बिना जया किए हुए बहुत सारा आगे प्रोग्राम है, विकास से लेकर के सारे मुद्दों पर ये अपना विस्तारपूर्वक वक्तव्य देंगे। आप लोगों से एक मार्मिक अपील है कि हेलीकॉप्टर छाप पर मोहर लगा करके, बटन दबा करके, भारी से भारी मतों से आप लोग इन्हें विजयी बनावें। साथ ही साथ 13 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पताही हवाई अड्डे पर 9:30 बजे उनका सभा होने वाला है। आप सभी ग्रामीणों से मेरा निवेदन होगा, बहुत भाव सारे लोग माने कि गांव के लोगों से मिल करके सुरेश जी लोगों से बात हो जाएगी, सुरेश उपाध्याय उपाध्याय सारे लोगों से जितना गाड़ी का संख्या हो सके यहाँ से खुलवाइए 13 तारीख को 7:00 बजे। कल सुबह में एक बार बात कर लीजिए आपसे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे बिना जी के प्रधानमंत्री जी को उनका सम्मान, उनका मान अगर इस देश को बढ़ाया है तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 400 पार। एक बार 400 पार करा दीजिएगा तो फिर विरोधी को हिम्मत नहीं करेगा दोबारा वो फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी से लड़े। इसलिए आपसे अपील है अगले कड़ी में हम लोग के बीच लोकप्रिय जगत जननी सीता की धरती से और हम लोग के मुजफ्फरपुर जिला के किसान और वैशाली लोकसभा की बहू जब सांसद में बोल रही थी, पढ़ रही थी, तो हम लोग फेसबुक पर देख रहे थे कि हमारा भी सांसद आज बोल रहा है। मतलब लग रहा था कि आज वैशाली का गौरव, बलराज विधानसभा का शान आज हम लोग के बीच संसद भवन में बोल रही है। यही हमारा शान है, यही हमारा काम है। अगर संसद में बोल रही है तो यही सबसे बड़ा हमारा सम्मान है। एक बार जोरदारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय सांसद श्रीमती बीना देवी जी का, जो अपने वाणी से सभा को संबोधित करेगी, अपील करेगी। अर्जी मेरा है, मर्जी आप सबों का है, लेकिन मर्जी में भी हेलीकॉप्टर छाप दूसरे नंबर पर है। याद रहे हेलीकॉप्टर छाप। आप सभी माताएं बहनों से अपील रहेगा कि 2 नंबर पर कमल छाप नहीं है, इस बार हेलीकॉप्टर छाप है, मोदी जी का है, जिसने राशन फ्री दिया, अब बिजली भी फ्री देने का उन्होंने वादा किया है। इसलिए हेलीकॉप्टर छाप को जिताइए, आप बिजली फ्री पाइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय सांसद श्रीमती बीना देवी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विनय पटेल जी, उपस्थित सभी सम्मानित हमारे मतदाता माली एवं मंच पर हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक लोकप्रिय अरुण कुमार सिंह जी, आगे बैठे हुए हमारे मतदाता मालिक भाइयों बहनों, हमारे सभी सम्मानित महिलागण, आज आप तमाम लोग के बीच में आई हूँ। अब इसी तरह पूरे देश में अभी चुनाव चल रहा है, मैं कहना चाहती हूँ कि एक एक वोट भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हेलीकॉप्टर छापकर वोट गिराइए और अपने प्रिय नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो लक्ष्य है, अब की बार 400 पार का नारा जो है उसको सफल बनाइए। आप तमाम लोग जानते हैं कि हम एनडीए गठबंधन से आए हैं, हमारा पार्टी जिस पार्टी से हम आए हैं सिंबल लेके, वो पार्टी का नाम है हमारा लोजपा पार्टी, जो रामविलास जी का है। आदरणीय चिराग पासवान जी, हम पर विश्वास करके पुनः टिकट देकर आपके बीच भेजने के काम किए हैं, उसमें हमारे आदरणीय मोदी जी का भी आशीर्वाद है, आदरणीय हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का भी आशीर्वाद है, जीतनराम मांझी जी का है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी हमारे बड़े नेता, पांचों नेता का आशीर्वाद है जो मैं आपके बीच आए हूँ। आप लोग से आग्रह है कि एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर दीजिएगा। हमारे माननीय विधायक जी भी बताया है,
कि दो नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप है, महिलाओं में भी जागरूकता करना है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो लोग तो जान ही रहे, लेकिन मेरी बहन बहुत संख्या में नहीं है यहाँ, तो घर में भी बात जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर छाप पर दूसरी नंबर पर बटन दबाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप तमाम लोग को मालूम है कि मोदी जी का जो भी योजना है वो धरातल पर है, एक एक घर में जा रहा है, इसका लाभ हम लोग सभी जाति धर्म के लोग ले रहे हैं। जब मोदी जी किसी के लिए जात धर्म नहीं बांटे हैं तो वोट भी नहीं उनका बटना चाहिए, एक भी एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर जाना चाहिए। और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम महिलाओं को 50% आरक्षण देके पंचायती राज में आगे बढ़ाने का काम किए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अभी राशन मिल रहा है, जो जनधन योजना से खाता खुलवाया गया, महिलाओं के सम्मान के लिए इज्जत घर से नाम से शौचालय बनवाया गया, जो हमारे पुरुष चाहे महिला जो भी हो, जिनके घर में बड़ा बीमारी हो जाता था, या तो खेत खींचता था या तो कर्जा लेने सूद पर लोग जाते थे, उनके लिए भी व्यवस्था कर दिए ये 5 लाख तक का इलाज फ्री में होगा। ऐसा तो कोई अपना परिवार वाला बेटा बेटी के लिए सोचता है, अब बाहर से कमा के चाहे कहीं से खेत के किसान है तो अपने लिए सोचते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमारा परिवार हमारे पूरे देश के लोग हैं, तो आप लोग भी हम लोग भी सारे लोग उनको अपना गार्जियन माने हैं, तो एक एक वोट किसी के बहकावे में नहीं आना है। जात पात कितनों बतावे तो जात का ही वोट नहीं है, ये जमात का वोट है, ये सब वर्ग का वोट है, ये देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट है, सुरक्षित देश रहने के लिए वोट है। अगर 370 धारा हटा है, जब मोदी जी के पास आपने वोट दिया बिना देवी के रूप में भेजे, जब वहाँ सदन में हम लोग गए, जब शक्ति में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, तो 370 धारा हटाए, 3 तलाक हटाए, बहुत सारा काम किए हैं और उनको बहुत सारा काम करना है। जो कश्मीर हमारा था उसमें हम जाने से खुद डरते थे कि जाएंगे तो जिंदा आएंगे नहीं पथल मानसर से। आज कश्मीर में आपको भी पैसा हो, अगर मुझे भी होगा तो हम खरीद के कश्मीर में बस सकते हैं, जैसे और देश में और राज्य में हम लेते हैं। तो ऐसा काम करने के लिए उस नेता को हिम्मत होना चाहिए जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री में है, उनको हिम्मत। एक तरफ जो लड़ रहा है उनके पास कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसका कोई अता पता भी नहीं है। हमको नहीं लगता बहुत कम समय बचा चुनाव का, उनका प्रधानमंत्री भी फैसला नहीं होगा, इसलिए अपने वोट को गलत दिशा में जाति पाति के हवा में नहीं बहना है। ये चुनाव देश के और राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। हमारा छाप हेलीकॉप्टर छाप है, 2 नंबर पर आता है, उसी पर आप लोग को बटन दबाना है, 400 पार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।